नमस्कार, मैं हूं मैक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। बात करते हैं पेंड्रा की, जहां हाथी का आतंक देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं हादसे में 4 साल की बच्ची हाथी के चपेट से आने से बाल बाल बची। साथ ही आनन फानन में परिवार के अन्य सदस्यों ने घर से भाग कर अपनी जान बचाई। वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दरअसल पूरा मामला मरवाही वनमंडल के पेंड्रा वन परिक्षेत्र का है, जहां अमारू गांव के जंगल में 25 से 30 हाथियों का दल पहुंचा और देर रात हाथियों का दल जंगल के रास्ते दमदम गांव के रवन टोला इलाके में गांव के नज़दीक पहुंच गया। हाथियों का दल गांव के बाड़ी में उत्पात मचा रहा था। इस दौरान एक हाथी झुंड से भटक कर बत्ती भाई चौधरी के घर पहुँच गया और दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारने लगा। घर के सदस्यों ने आवाज़ सुनकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हाथी से उनका सामना हो गया और परिवार के सभी सदस्य आनन फानन में घर से भागने लग गए। वहीं घर की बुजुर्ग महिला अपने साथ बच्ची को लेकर हाथी से दूर भागने लग गई। इसी दौरान बुजुर्ग महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। हमले से गोद में रखी बच्ची दूर गिर गई और महिला वहीं गिर पड़ी, जिससे हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचल कर मार डाला। वहीं बच्ची इस हादसे में बाल बाल बची। घर में अन्य सदस्यों ने छुपकर घर से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं हादसे के बाद वन विभाग और प्रशासन मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की, साथ ही परिवारजनों को तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की है। अजय तिवारी, आपको कैसे जानकारी लगी, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ की जानकारी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है अपन, भाई टीचर है, जाता है एमपी इधर पढ़ाने, वो हमको बताया कि एक एक्सीडेंट हो गया है और लोग देख रहे हैं, तो उसकी सूचना अपन थाने में 112 ऐसे सूचना देने के। अच्छा, इसमें जानकारी ये लग रही है कि मध्य प्रदेश से लाई गई शराब भी पूरी भरी हुई थी गाड़ी? गाड़ी में ये रखी हुई है, पूरी सब पड़ी हुई है दारू यहाँ पे। अच्छा, आने के बाद पता लग रहा हमको कि इसमें दो लोगों की डेथ हो गई है और दारू ये लोग रखे हुए थे गाड़ी में। अच्छा, झारखंड का गाड़ी का नंबर झारखंड दिखा रहा है, तो तस्कर थे ये लोग, शराब तस्कर थे। क्या पूरा मामला? प्रथम दृष्टा यही है कि ये घाटी से उतरते समय स्पीड में संभाल नहीं पाया और सीधे घाटी में गिर गए हैं। सामने सफारी वाहन स्ट्रोम है जिसपे झारखंड पासिंग नंबर है, लेकिन ये कन्फर्म आरटीओ से करना पड़ेगा कि ये जो नंबर प्लेट लगी है वास्तविक है, ये जांच का विषय है। दो व्यक्ति की डेथ हुई, आपके सामने डेड बॉडी को हमने वाहन से बाहर निकलवाया, यहाँ रखा, इसको पीएम के लिए हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। इनकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है, जो नंबर वगैरह मिले हैं कागज जो निकले उससे वेरीफाई किएंगे कि कहाँ के निवासी हैं। गाड़ी में शराब की बोतलें सर, क्या लगा? हाँ, ये स्पॉट पे सब ये शराब की बोतलें जो गोवा ब्रांड की शराब की बोतलें हैं क्वार्टर्स के रूप में, उनके डब्बे खाली कार्टून या बिखरे पड़े हैं और शराब ऊपर से गाड़ी गिरी है तो उसमें भी कार्टून गिरे हैं, फूट गए सब, और कोई भी यहाँ ऐसा शराब भरी हुई बोतल अभी मौके पर नहीं है। लगता है शराब तस्करी कुछ मामला हो सकता है, ये तो अब ये जांच का विषय है। इतनी शराब तो नहीं ले जा सकता, अगर परमिट से ले गया होगा तो पेपर मिलेंगे, लेकिन ये अंतरा मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ है तो वहाँ से शराब आ रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वास्तविकता सामने आएगी। जांच के बाद ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।